जब मिल्किंग हो जाती है तो आधे घंटे तक जो उसके होल्स होते हैं जो जहाँ से दूध आता है टीट में से वो खुले होते हैं। WWS सीमन का है वो पूरा यूपी और पूरा बिहार में कहीं उसका नाइट्रोजन जिसमें सीमन रखा जाता है उसका चेन मेंटेन होना चाहिए, एक कोडिंग होती है ये जो पी लिखा है सर इसका मतलब क्या होता है? ये डबल पी का मतलब ये है कि आपका उस पर 100% उसका हॉर्न नहीं आएगा। आपको रीडिंग में कई सारे फैक्ट्स होते हैं जो कि आपको नमक की आवश्यकता होती है। जी जी, नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर आप सीमन पर एक वीडियो लेकर के आइए। तो आज हम जो है सीमन के बारे में जानेंगे कि एक अच्छे सीमन की, ओरिजिनल सीमन की क्या पहचान होती है, उनकी क्या खासियत होती है, गाय भैंसों को सीमन डलवाने के पहले क्या क्या ध्यान देना चाहिए, डेयरी इक्विपमेंट से रिलेटेड कौन कौन सा सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध है, काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, काफी कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। 6 साल से जो है अच्छे ब्रीड पर काम भी कर रहे हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। कीर्तिमान सिंह, मेरे फार्म का नाम है धनुष्या डेयरी फार्म और मैं यहाँ पे वेंसन जो एक कंपनी है जो कि डेयरी फार्म रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स और मैट वगैरह सब कुछ बनाती है, तो मैं उसका यहाँ पे ऑथराइज्ड डीलर और साथ में WWS वर्ल्ड वाइड सायर्स जो एक सीमेंट कंपनी है और उसका मैं यूपी और बिहार का डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप कहाँ कहाँ तक सप्लाई करते हैं सर? जो वेंसन है उसका सर्विस जो है कि हमारे ये पूर्वांचल एरिया में पूरा जो है कि प्रतापगढ़ अमेठी से लेते हुए जौनपुर सुल्तानपुर और आजमगढ़ बलिया इधर अपना पूरा जो है और इधर आधा बिहार तक हमारा जो है कि वेंसन का कवरेज है। जी जी, बाकी जो WWS सीमन का है वो पूरा यूपी और पूरा बिहार में कहीं भी जिसको रिक्वायरमेंट होगी वहां हम उसको अवेलेबल कराएंगे। वर्ल्ड वाइड सायर के जो सीमन है उसका मिनिमम से मैक्सिमम जो है क्या रेट है, किस तरह के उसमें किस बुल का क्या रेट है वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए जो उसका प्राइसिंग है वो कन्वेंशनल सीमन जिसमें बछड़े बछड़ियां दोनों होती हैं जी, उसका जो रेंज है वो आपका 700 रुपए से लेके 2000 तक का। जी जी, और जो सेक्स सीमन आता है जिसमें केवल फीमेल बच्चे जन्म लेते हैं जी, उसका जो प्राइसिंग है वो आपका 4000 से लेके 8800 तक का है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी को लेना है तो कैसे आपको आपसे संपर्क करें, कैसे आप उनको प्रोवाइड कराते हैं, आना पड़ता है या आप उनको भेजते हैं, क्या प्रोसेस है? नहीं देखिए, आना नहीं पड़ता है, हमारा जो है कि आप हमसे कांटेक्ट करिए हमारे नंबर पे और आप अपना जो भी रिक्वायरमेंट है आप हमको बताएंगे, वो आपके पास होम डिलीवरी होगी। तो उसमें बस ये है कि आपका ऑर्डर जो होगा वो मिनिमम 1 गबलेट का होना चाहिए। जी जी हाँ, तो उसको जो है कि 1 गबलेट का होगा तो हम उसको आपको डिलीवर करा। गबलेट मतलब? एक गबलेट मतलब कि जो सीमन जिसमें आता है जी, एक जी। गबलेट में आपका कन्वेंशनल जो आता है वो 32 कन्वेंशनल सीमन का 1 गबलेट बनता है। जी जी, और 20 सेक्स का आपका 1 गबलेट बनता है। तो सेक्स पे तो मान लीजिए कम भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्वेंशनल पे ये है कि 1 गबलेट का मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए। जी, तो होम डिलीवरी का कुछ अलग से चार्ज मतलब लेते कोई हैं? कोई चार्ज नहीं है होम डिलीवरी का, बस आप ऑर्डर कीजिए वो हम आपको आप यहाँ आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी देंगे। अगर कोई किसान तो उतना लेना नहीं चाहेगा सर, किसान को जरूरत है तो कैसे ले सकता है? किसान को अगर देखिए किसी एरिया में जैसे कि किसी को चाहिए 2-4 पीस चाहिए या 10 पीस चाहिए तो उसका ऐसा होगा कि हम उसको बुकिंग अमाउंट लेके उसको वेट पे रख देंगे, जैसे ही उधर का कोई ऑर्डर आएगा तो साथ में अगर वो उस रूट पे होगा या थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा तो उसके साथ में उसको भी डिलीवरी हो जाएगी। इसके लिए ये है कि उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो सीमन होता है सर इसमें एक्सपायरी होता है या डेड सीमन भी होता है, इस तरह का अगर कोई सजेशन है तो कृपया हमारे पशुपालक भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। नहीं देखिए सीमन में एक्सपायरी कोई नहीं होती है जी, उसमें सबसे मेन होता है कि जो उसका नाइट्रोजन जिसमें सीमन रखा जाता है उसका चेन मेंटेन होना चाहिए जी। तो डायरेक्ट जो है कि चंडीगढ़ से हमारे पास जो डिलीवरी होती है वो उनका ट्रस्टेड आदमी लेके आता है हमारे पास और फिर उसके बाद यहां से फिर वहां किसी फार्मर के पास या कहीं भी सप्लाई करना है तो वो हमारा ही लड़का लेके जाएगा। तो उसमें मतलब जो सारी जिम्मेदारी है वो अपनी होती है। और रही बात डेट की तो वो हम टेस्टिंग करा के ही जो है किसी मन लेते हैं, ना कि बिना टेस्टिंग के लेते हैं। और अगर कोल्ड चेन अगर मेंटेन है तो फिर आप 2 साल 4 साल या 10 साल तक सीमन रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और आजकल मार्केट में सर ओरिजिनल से अधिक जो है डुप्लीकेट सीमन आ गया है,
तो एक ओरिजिनल सीमन की क्या पहचान होती है, ऐसा पहचान बताइएगा कि साधारण से साधारण किसान भी पहचान जाए कि हमारा सीमन जो है ओरिजिनल है। पहचान के लिए देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रॉ है जी जी, ये कन्वेंशनल सीमन का है, ये इस पे आप देखिए मिलर पी ईटी है, ठीक है, और इस पे एक कोडिंग होती है, ये जी, ये WWS अपने हर एक बुल का जो है कि कोडिंग अलग अलग देता है। और सबसे मेन इसमें डुप्लीकेसी ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो स्ट्रॉ की थिकनेस है जो हमारे इंडिया में यूज होती है वो 0.25 ml की यूज होती है, और जो हमारा WWS का है वो 0.5 ml का यूज होता है, जो कि इंडियन स्ट्रॉ से जस्ट दूना होता है, इसकी थिकनेस भी दूनी होती है, तो जो कि इंडिया में ऐसे नॉर्मली कोई इम्पोर्ट नहीं कर सकता ऐसा स्ट्रॉ, तो इस वजह से इसमें डुप्लीकेसी होने का चांस जो है कि एकदम जीरो के। अगर गूगल के गूगल पर क्या सर्च करने पर पता चलेगा कि सीमन इस नंबर के बुल का है या नहीं है, कौन सा नंबर इसमें? गूगल पे अगर आपको सर्च करना है, WWS की वेबसाइट पे जाएंगे और ये बुल का नाम डालेंगे तो इसका ये कोड आ जाएगा जी जी, ठीक है, और इस पे बारकोड भी है, तो अगर बारकोड स्कैन करके आप स्कैन करेंगे तो भी जो है कि आपको डुप्लीकेसी और उसका ओरिजिनलिटी का पता चल जाएगा जी जी। तो ये नॉर्मल सीमन है या सिक्स सीमन का है? ये नॉर्मल है, कन्वेंशनल सीमन। ये जो पी लिखा है सर, इसका मतलब क्या होता है? ये मिलर पी, ये और पीसी में डबल पी होता है। जैसे देखिए कोई कोई बुल होते हैं जो विदाउट पी होते हैं, नॉर्मल जो है कि जैसे आपका ग्रीफ आता है और भी एक दो बुल आते हैं जिनपे पी नहीं होता है जी जी, मैक्सिमम पे पी नहीं होता है, लेकिन जिनपे पी होता है, सिंगल पी होने का मतलब ये है कि उसपे आपका 50% उसका चांस है कि आपका जो जो बच्चा या बच्चे जो भी होंगे, बछड़े होंगे जी, उनका जो है कि हॉर्न 50% चांस होता है जी जी, सिंगल पी पे 50% होता है, और किसी किसी बुल पे डबल पी होता है जी, तो डबल पी का मतलब ये है कि आपका उसपे 100% उसका हॉर्न नहीं आएगा, आपको डी हॉर्निंग कराने की उस बच्चे की कोई जरूरत नहीं। WWS का सीमन का यूज करने का सबसे मेन मोटिव ये है कि सबसे पहले जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा आता है, एकदम HF में आप देखेंगे एकदम स्ट्रेट आएगा, ठीक है, और अडर कॉम्पैक्टनेस जो बहुत अच्छी आती है, और फिर उसके बाद जो है कि इसमें मेस्टाइटिस का सबसे जो है कि कम चांस होता है, और कॉन्सेप्शन में जो है कि आप नॉर्मल सीमन से आप मान के चलिए कि ये 50% ज्यादा आएगा, सेक्स में कंपनी जो है कि दावा करती है कि 70% जो है कि आपका कॉन्सेप्शन आएगा जी जी, और जो कन्वेंशनल है उसका तो आप जान ही रहे कि सेक्स से हमेशा जो है कि ज्यादा ही बढ़ के आता है जी, तो हम सेक्स की गारंटी लेते हैं कि जो है कि 70% से कम नहीं आएगा, अगर उस एनिमल का न्यूट्रिशन सब कुछ अच्छा रहा तो। रिपीट ब्रीडिंग के लिए मेरा जो मानना है वो हम गाय को कभी गलत नहीं ठहरा सकते, गाय का जो भी दिक्कत है वो फार्मर की तरफ से ही होता है, या तो उसका जो है कि रिपीट ब्रीडिंग में कई सारे फैक्ट्स होते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि AI सही टाइम पे नहीं हुई, टाइमिंग अच्छी नहीं हुई, या सीमन सही जगह नहीं छोड़ा गया, और उसके बाद गाय का न्यूट्रिशन नहीं पूरा हुआ, फिर उसके बाद जो है कि अगर सीमन आपका अच्छा नहीं होगा तो भी कॉन्सेप्शन नहीं आएगा, सीमन अच्छा ना होने का कारण उसका कोल्ड चेन ना में जो है कि मेंटेन हो, वो सीमन अगर 5 मिनट के लिए भी नाइट्रोजन से बाहर निकल गया तो वो सीमन में जो है कि काम शुक्राणु है वो डेड हो जाते हैं जी जी, मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है, तो उसका चांस वैसे ही कम हो जाता है, और अगर उससे ज्यादा निकल गया तो वो टोटली डेड हो जाता है। सीमन के अलावे सर आपके पास डेयरी इक्विपमेंट से रिलेटेड क्या क्या सेवा जो है किसानों के लिए उपलब्ध है वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए। सीमन के अलावा देखिए हमारे पास वेंसंग कंपनी है जिसके बारे में मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे, नोएडा बेस्ड एक कंपनी है जी जी, जो मतलब इसका मैं काम करीब 6.5 साल से ऊपर हो गया करते हुए जी जी, तो ये फार्म रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स बनाती है, पार्लर मसाजर काउ ब्रश फॉगर सिस्टम और काउ मैट मशीन में, ये देखिए ये हमारी 1 HP की मशीन है, ये छोटे से लेके सिंगल बकेट की भी आती है इससे, और छोटी वाली मशीन जी जी ट्रॉली में भी है, और स्क्रैपर वगैरह जो गोबर हटाने के लिए हम ट्रैक्टर माउंटेड और ऑटोमेटिक सारी सुविधाएं जो है कि हम देते हैं। फार्म के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं जी जी, वो वेंसन बनाती है, उसका मैं यहाँ पे ऑथराइज डीलर हूँ, तो अगर किसी को इसकी रिक्वायरमेंट है तो वो जो है कि मेरे नंबर पे कॉल करके वो मेरे से संपर्क कर सकता है। और ये सर क्या है इसके बारे में थोड़ा चर्चा? ये देखिए ये 40 min लिक ब्रिक है जी, ये जो है कि जैसे गाय के लिए जो है कि शेड में आप या शेड में या कहीं भी
उसको या नाद में इसको, जैसा कि आप जानते हैं जानवरों को नमक की आवश्यकता होती है, जी जी, तो ये आप उसके अगर नाद में रख देंगे तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार इसको चाटेगी, लिक करेगी और वो अपना जो भी जरूरत है, इसमें मिनरल्स और विटामिन्स भी हैं, तो वो अपने हिसाब से इसको चाट के वो अपना कमी पूरा कर लेगी। फिर उसके बाद ये हमारा टी डीप सोल्यूशन है जो मेस्टाइटिस की रोकथाम के लिए काम आता है। मिल्किंग के बाद जैसे कि ये लोग, आप सब लोगों को पता ही होगा कि जब मिल्किंग हो जाती है तो आधे घंटे तक जो उसके होल्स होते हैं, जो जहां से दूध आता है टीट में से, वो खुले होते हैं। तो ये डिप करने से क्या होता है कि एक लेयर जम जाती है और जो मेस्टाइटिस के बैक्टीरिया है वो अंदर एंटर नहीं करते हैं जी। तो उसकी वजह से हमारा ये मेस्टाइटिस के रोकथाम के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। और फिर ये हमारे पास क्लॉथ फीडिंग बॉटल है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भी फार्म में रिक्वायरमेंट होती है वो हम सब देते हैं। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सर हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।